हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त विपिन और आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप के बारे में। दोस्तों, आपके व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट ऑप्शन है या नहीं? नहीं होगा, क्योंकि मेरे उसमें भी नहीं था। जब मैंने नेट पर सर्च किया तो मुझे पता चला कि इसमें फिंगरप्रिंट वाला फीचर्स आ गया है, लेकिन इसे डाउनलोड कैसे करें दोस्तों? तो चलो दोस्तों, ज़्यादा ना कहते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ और डाउनलोड करते हैं इसे। तो अगर आप भी अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लगवाना चाहते हो तो सबसे पहले अपना व्हाट्सएप डिलीट करें, पुराना वाला, जैसे कि ये है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। इसको कर दें डिलीट। अब जैसे ये डिलीट हो जाता है दोस्तों, आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पे आपको ये नहीं मिलेगा। अभी आज 6/9/2019 की जो मैं बात कर रहा हूँ, आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करते ही आपको टाइप करना है ऊपर व्हाट्सएप मैसेंजर 2.19.2.221 बेटा एंड्रॉयड 4.0.3 प्लस। अब इसको डाउनलोड करें। अगर आपको नहीं मिलता है क्रोम ब्राउज़र पे, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, आप चाहो तो वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। वैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ से डाउनलोड करने से बढ़िया है आप मेरे लिंक से उसे डाउनलोड करें, ताकि आपको टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े और आप सीधे इसी ऐप पे पहुँचें और उसको डाउनलोड करें। अब मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको कि कैसे आप इनेबल करोगे इसे, फिंगरप्रिंट फीचर्स जो है उसको कैसे इनेबल करोगे आप। तो चेक करते हैं डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ। हो रहा है, 51% हो चुका है दोस्तों। इसके बारे में मैंने बहुत पहले से सुना कि व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट वाला फीचर्स आ रहा है, लेकिन ये साला आया नहीं। मैं प्ले स्टोर पर मैंने बहुत ज़्यादा इसे सर्च किया, ये मिला नहीं मुझे। मैंने कई बार अपना व्हाट्सएप डिलीट किया, फिर साला मिला नहीं मुझे। फाइनली कल मुझे ये मिल ही गया और मैंने आप तक सबसे पहले ये जो है इन्फॉर्मेशन दी है दोस्तों, और आपको सिखाया है कि कैसे इसको डाउनलोड करके इनेबल करना होता है। इंस्टॉल कीजिए ऐप को, जो नया वाला ऐप है, पुराने वाले को हटा दीजिए और नए वाले को इंस्टॉल कीजिए दोस्तों। जब तक इंस्टॉल होता है तब तक मैं एक सिप चाय पी लेता हूँ। अब जैसे इंस्टॉल हो गया है, इसे ओपन करिए, कंटिन्यू करिए, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालिए 7409043। ये हो गया। और इसे ओके करिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं वेरिफिकेशन की तरफ, और ये आया हमारा कोड। चलो नोट नाउ करते हैं, आगे नाम डालते हैं MR। मिस्टर विपिन नेक्स्ट किया, और अब चलते हैं सेटिंग में। अब जैसे सेटिंग में मैं जाऊंगा, उसके बाद हमें जाना है अकाउंट में। अकाउंट में जाने के बाद प्राइवेसी में, प्राइवेसी में जब आप सबसे नीचे जाओगे, यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे नीचे सबसे नीचे फिंगरप्रिंट लॉक डिसेबल्ड, तो हमें इसे इनेबल करना है। इस पर क्लिक करेंगे, इनेबल करेंगे, और अपना जो फिंगर जिससे हमें हम फ़ोन ऑन करते हैं, मतलब जिससे हम जिसको हम सेंसर पे रखते हैं, जो भी फिंगर आपको सेंसर पे रखना है आप रख सकते हो दोस्तों, और उससे अनलॉक कर सकते हो। जैसे मैं रखूँगा ये वाली, और ये तुरंत एक ही झटके में इसको ले लेता है दोस्तों। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन होते हैं, एक होता है इमीडिएटली,
एक होता है आफ्टर 1 मिनट, एक होता है आफ्टर 30 मिनट। आप कैसा अपना फ़ोन बंद करना चाहते हो? तो मैं तो साला इमिडिएटली रखूँगा, ये देखिए सर। और चलते हैं बैक बैक बैक, और फ़ोन को करता हूँ मैं लॉक। अब दोबारा से इसे खोल, ये देखिए दोस्तों, ये लग गया हमारा फिंगरप्रिंट लॉक। थैंक यू, बाय।